ये मयंक रावत है ब्रो। तो हम निकल गए हैं नेपाल के लिए एन रूट फ्रॉम देहरादून वाया हरिद्वार रुद्रपुर और काशीपुर। मतलब उत्तराखंड के रास्ते हम जा रहे हैं नेपाल में एंट्री करने। तो देखते हैं, अब हम 4 से 2 हो गए हैं। पहली बात तो वेट नहीं बढ़ा मेरी गाड़ी में, नीचे लगी। और ये मयंक की गाड़ी है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम 2 ही जा रहे हैं सिर्फ। हैचबैक ले जा रहे हैं हम, एसयूवी नहीं करिए। अखिल और बोरा भाई नहीं जा रहे हैं, तो 2 जने कम, नहीं सचिन भी नहीं जा रहा है, सचिन भी नहीं जा रहा है, तो 3 जने कम हो चुके हैं। तो हमने अभी ट्रिप अपना कैंसिल नहीं किया, हमने सोचा कि हमें खुद ही जाना, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है हमने, ऑल्टरेशन, चाहे कितना भी खर्चा है अब देखा जाएगा। लोन ले लेंगे हम, किडनी बेच देंगे अपने, नेपाल जाके रहेंगे, देखा जाएगा यार। बट ठीक है, अच्छा लगा। सो द मिस्ट्रीज की रोड कैसी होगी, वहाँ पर जाम कैसा होगा, आरटीओ ऑफिस कब तक खुला रहेगा, ये बिल्कुल अननोन है हमारे लिए। और परमिशन कब तक मिलेगी हमको, ब्रिज है, ब्रिज में 2 घंटा वेट करना पड़ता है, कितने के बफर में गेट खुलेंगे, वो अपन को कोई आइडिया नहीं है, तो वहाँ जाके देखेंगे अपन लोग। सो गाइस, हम नगीना रोड पे हैं, 4 घंटे हमने हॉट लिया था, अब संचित भाई गाड़ी चला रहे हैं। एंड मीट अ न्यू मेंबर अखिल, 4 घंटे वेट कराया इसने हमें। हमारे दो से हम 3 हो गए, 2 से 3 हो गए। सुबह बोल रहे थे कि गाड़ी में 100 किलो वेट कम चल रहे हैं बोरा जी और अखिल, बट नहीं, अब 50 kg एक्स्ट्रा उठ चुका है। 90 सच बोल दिया भाई ने, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कभी नहीं करता किसी को। अब हम जा रहे हैं नगीना तो खाएंगे वहाँ पे समोसे और रसगुल्ले, ठीक है। और आज हम एंट्री नहीं ले पाएंगे नेपाल में, खाटी में रुकना पड़ेगा हमको। नगीना आ गए हैं, अखिल बहुत खुश है, सिर्फ रसगुल्ले खाने आया है, नेपाल नहीं जा रहा भाई, वो रसगुल्ले खाने आया है। अच्छा, तो समोसे और रसगुल्ले खाने के लिए रुके हैं अपन। आ चुके हैं यहाँ पर, ये है तुलाराम, दुकान देख लो। अरे भैया जी ने पानी दिया हमें, दिखा दो जरा। हाय तो बोल दो। हाय हाय हाय। ये तुलाराम रसगुल्ले वाले, तो खा लिया था हमने, 12 रसगुल्ले खाए हैं और 9 समोसे खाए हैं। अच्छा, चार ये कम है अभी, आधे और लेंगे, ये पुराना वाला है, ये पुराना तुलाराम। काफी डिस्टेंस बचा है अभी, अभी तो शुरुआत ही करी है। बॉर्डर पहुंचेंगे हम, 4 घंटे बॉर्डर लगा लेंगे गाड़ी। सो वी ऑन रूट टू नेपाल, रात हो चुकी है और रात के बज रहे हैं 8:30। अगला स्टॉप हमारा खाटीमा होगा, गाड़ी अभी भी संचित चला रहा है, हल्का 200 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं अभी, नहीं हाँ 200 चला चुका है, लगभग 200 चला चुका है। और आज हम शायद बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आरटीओ ऑफिस बंद हो चुका होगा, हमें हॉट लेना पड़ेगा क्या खटीमा में, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके। हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम बॉर्डर क्रॉस कर ही लें, बिकॉज उसके बाद नाइट जर्नी भी कवर हो सकती है, 3 बंदे हैं तो पीछे एक सो जाएगा, फिर आगे आएगा, रोटेशन में गाड़ी चल सकती है, ये थोड़ा रिस्की है, बट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस बंदे हैं हमारे साथ, संचित जो कि 8 साल एक्सपीरियंस है, 18 घंटे चलाई थी मैंने डायरेक्ट। हाँ हाँ 18 घंटे, सुन लो सब, सुन लो भाई 18 घंटे। अखिल है, अखिल भाई तो कितना एक्सपीरियंस है, बहुत कितना, 3 अबे बता सही बता, 3 घंटे का, अबे नहीं नहीं मतलब सैटरडे नाइट से 10 बजे से लेकर पूरा संडे और उसके बाद अगेन वापस मंडे तक। कितने साल का एक्सपीरियंस है तेरे पास गाड़ी चलाने का? हाँ 8वीं से चला रहा हूँ। ओ माय गॉड, फक, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, इसके पास भी 9 साल का एक्सपीरियंस है अखिल के पास। अच्छा अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता, मुझे लगा 1 साल चला है, तो 2 बंदे हैं और मेरे को है 5 महीने का एक्सपीरियंस। पर मैं बताना चाहूंगा दिवाली ज्यादा इन्होंने मनाई है, बट पटाखे ज्यादा मैंने फोड़े हैं, तो मैं समझ जाओ समझने वाले को। तो अखिल की सूरत तो दिखा दो, अखिल की तो नहीं दिखेगी अंधेरे में, नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, तो पटाखे तुमने फोड़े सही है, बंद कर दे, ये बंद करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, मैं नहीं करूंगा बंद, इसकी आवाज जाएगी तुम तक कि बंद करने के लिए बोल रहा है, बंद कर दे। खाटीमा में हमारा हॉल्ट हुआ, अभी इसका टाइम सुना लेंगे, टाइम लैप्स इस वाली चीज का ना, जो जितना जा रहा है, नहीं नहीं हाँ, इसका टाइम लैप्स
संचित तुमको थोड़ा भोला रह गया रे If you are traveling from Uttrakhand, make sure कि आप early morning निकले around 4:30 or 5. And if you are traveling from Delhi or from Greater Noida, आप कभी भी निकल सकते because आप border तक पहुंच ही नहीं पाओगे एक दिन में. उत्तराखंड में तो पहुंच जाओगे border पे. यूपी से लगभग 300-350 किलोमीटर पड़ जाएगा. नहीं नहीं ज़्यादा पड़ेगा. Around 500 तक लखनऊ ही है. अरे नहीं आगे उत्तराखंड की बता. हाँ. From Uttrakhand, it will take around 300 to 350 kilometers. ये हमारा भाने वाले से पढ़ रहा है, लगभग इसके घर से. इसका घर क्या होता है? अरे देव मयंक का घर. Mad Max 009. सुन लो लड़कियों, Mad Max 009. तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर. बकचोदी करा लो लड़के से. कुछ तो कराओ. और ये और देखो 8 साल का एक्सपीरियंस इसके पास है. आपने लाइव देखा इसलिए मैंने वीडियो बंद नहीं किया था. ठीक. वन मोर थिंग दैट द पीपल हियर आर माइंडलेस सच स्ट्यूपिड पीपल. रॉन्ग साइड से आएंगे और डिपर भी मारेंगे आपको. लेन भी मेरी टोल भी. और ये ये देखो माइंडलेस. I was just talking about the mindless people and here we come. Seriously man. So guys, हम पहुंच गए हैं खटीमा. और ये हमारे भैया होटल के अंदर महारानी होटल के अंदर. हमें इन्होंने बहुत बेस्ट रूम दिया है. अगले बार आए तो इनसे कॉन्टेक्ट करें. ठीक है. कमीशन भी इनको टिप भी चाहिए 500 रुपए. ऐसे नहीं चलेगा. ना ना. और दूसरा जो है ना, हम रुके इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि हमें सुबह ही परमिट मिल पाएगी. ये हमारी कार जिससे हम आए हैं. अब देखते हैं वहाँ कहीं हमें होटल में खाने जाना है. ना जोशी होटल. होटल बोर्ड दिखा दे. हाँ महारानी होटल है ये. ओयो रूम आप कर सकते हो. ओयो रूम मत करना सीधा यहीं पर आ जाना. हाँ सीधा यहीं पे आ जाना भैया से मिलना. है ना. बाकी देखते हैं सुबह सुबह ही अब शुरुआत करेंगे अपने सफर की. क्या होता है. ये है जोशी होटल. जोशी हाँ रेस्टोरेंट. हमने मंगवाया था पालक पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज और दाल मखनी. दाल मखनी इज ऑसम. अच्छा लगा खाना. बहुत अच्छा है. तो खटीमा में अगर रुकना हो तो ये बेस्ट है. धीरे की बोला जोर से बोल. जस्ट अभी हम खटीमा अपने जो होटल करा था वो निकल रहे हैं उस होटल से. तो सब लोग रेडी हो गए हैं. अखिल भाई बट वो मजा नहीं आया रेडी होने में. आज टट्टी करने मैं को टट्टी नहीं यार. 5 मिनट से ऐसी खोल रखी है गाड़ी भाई. ठंडी हो रखी है बहुत ज्यादा तो इसलिए गर्म कर रहे हैं. अरे हीटर भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे. तो हीटर भी फुल पे है. देखते हैं अब 8 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है ऐसा बोलते हैं. देखते हैं 2-2 घंटे के अंदर खुलता है. कस्टम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले फिर आरटीओ ऑफिस पे जाना पड़ेगा. 2-2 परमिशन. चलो भाई अब आ चुके हैं और ये लास्ट में चौकी इंडिया की. यहाँ से बॉर्डर लाइन स्टार्ट हो जाती है. 1 किलोमीटर बाद बॉर्डर है. 1 से 1.5 किलोमीटर बाद बॉर्डर है. और हमारी गाड़ियाँ रुक चुकी है. गेट बंद हो चुके हैं 8 बजे. अब गेट खुलेंगे 10 बजे. और कोहरा ही कोहरा चारों तरफ. बुलंदियों पे 100-200 रुपए ज्यादा ले ले पर बैराज खुलवा दे लौंडे. बैराज नहीं खोल रहे लोग यार. बैराज का गेट नहीं खोल रहे. हमने तो रिश्वत देने की कोशिश करी पर मान नहीं रहे. मान जाएंगे ये ज्यादा लेंगे. और क्लियर व्यू आएगा अगर थोड़ा ये कोहरा हटा दो. देख रहे हो बैराज. हाँ व्यू तो बहुत सही आ रहा है. अभी यहाँ पे कुछ एंट्री वेंट्री भी होती है. माइनस टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री. 2 डिग्री सेल्सियस. हाँ. और ये हम ब्रिज क्रॉस करते हुए नेपाल बॉर्डर के पास अभी हमने एंट्री कराई है. अभी नेपाल पहुंचे नहीं है. यहाँ से 1 किलोमीटर आ गया है और ये वन वे है बिल्कुल.
ट्रेन की लग रहा था मुझे, कुछ ट्रेन के लिए ट्रेन, बनाया था ट्रेन ना? के लिए है ये, बट अभी नहीं है, बनाया उसी के लिए था ट्रेन के लिए। यहाँ पे अगर आना है ना टाइमिंग का ध्यान रखना भैया, वो 6 बजे से खुलता है गेट सुबह, 6 से 8 दो दो घंटे के डिफरेंस में खुलता है बफर टाइम हर 2 घंटे बाद, 6 से 8 खुलेगा फिर 10 से खुलेगा। हम ओवरटेक कर सकते हैं इसको, ज्यादा ही लंबा नहीं है पुल आज, पुल कुछ ज्यादा ही लंबा। और ये हम पहुंच चुके हैं नेपाल, और यहाँ गाड़ी रुकी भी इनकी। हाँ 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 सालो हमारी बारी है, अभी इनको वेट करना पड़ेगा 2 घंटा। नेपाल बॉर्डर सामने शुरू, गेट आ गया और यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करते हुए, और ये बॉर्डर क्रॉस किया हमने अभी भी नहीं किया है, थोड़ा सा और आगे बॉर्डर कर दिया अभी भी नहीं किया, ये बॉर्डर नहीं है वैसे, थोड़ा ये बॉर्डर है बस, बॉर्डर अभी 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 ये पुल है बॉर्डर एक्चुअली। नाउ ऑफिशियली वी आर इन नेपाल, जो खराब रोड स्टार्ट होगी ना बस ये नेपाल है। आगे से लेफ्ट लेना है, कस्टम ऑफिस, कस्टम ऑफिस बस। देखो वो ही चीज ना, देखो खराब रोड स्टार्ट नेपाल स्टार्ट, तो हम आ चुके हैं नेपाल। जाना है नेपाल वाले की कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई, गरीब देश है। यहीं पर बियर बार बहुत से तू नोटिस आओ ऑफिस तो बंसार बन चुका था हमारा, फिर हमने परमिट ले लिया ऑल नेपाल का, ठीक है आरटीओ से। और जो है ना ध्यान रखना कि आरटीओ ऑफिस 7 किलोमीटर दूर है, बट आपको जो है ना जाते हुए जाना दिखेगा, हाँ, नहीं, बहुत कंजेशन, हम 2 किलोमीटर आगे जाके वापस आए। मयंक को इन्होंने भयंक रावत लिख दिया गाइज, ये है एक तो आरटीओ ऑफिस से मिला था हमें ये चीज, और भंसार हमें ये मिला था, तो हमने 7 दिन का बनवाया तो हमको पड़ा ये 3500 नेपाली रुपए, तो इसे आप डिवाइड कर सकते हो 1.6 से, तो वो रेट आ जाएगा। और हमने सिम भी ले लिया, सिम यहाँ पे एनसेल का बेस्ट है नेटवर्क, तो हमने 4GB+4GB लिया है, 4GB हमें 4G और +3GB, और हमें बहुत महंगा पड़ा है ये सिम। हाँ बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है, बहुत ज्यादा महंगा, 800 नेपाली रुपए में पड़ा है, लगभग 500 रुपए में पड़ा है हमें ये पूरा सिम, तो लूटा गया है हमें नेपाल में, बट कोई बात नहीं। तो आप बताए हम इनको लूटे नहीं लूटे, हमें बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि नहीं लेना चाहिए मुझको तो देखते हैं, कुछ तो करके जाएंगे यहाँ पे। ओके बाय बाय।